हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल थिंक कोड। एंड टुडेस क्वेश्चन इज डिज़ाइनर टेक्स्ट एडिटर। तो इसमें बेसिकली ये क्वेश्चन वीकली कॉन्टेस्ट का भी है, ठीक है। और इस क्वेश्चन में क्या करना है, बेसिकली तुम्हें एक टेक्स्ट एडिटर डिज़ाइन करना है। टेक्स्ट एडिटर कैसे डिज़ाइन करना है, जैसे तुम्हारा ये एक स्ट्रिंग है, ठीक है, ये एक स्ट्रिंग दे रखी है, ठीक है, और इसका कर्सर अभी यहाँ पे है, कर्सर अभी यहाँ पे है, ठीक है। तो अगर तुम्हें बोले कि वो डिलीट करो कैरेक्टर्स, डिलीट के कैरेक्टर्स, तो तुम क्या करोगे, इस कर्सर से लेफ्ट में जाओगे, है ना, और के कैरेक्टर्स डिलीट कर दोगे, ठीक है, है ना। और के मान लो ये चार से बड़ा हुआ, है ना, यहाँ पे चार है, तो तुम क्या करोगे, जैसे के मान लो छः हुआ तो तुम सिर्फ चार डिलीट कर दोगे, ठीक है, है ना। और के मान लो दो हुआ तो सिर्फ दो डिलीट कर दोगे कैरेक्टर्स, ठीक है। तो लेफ्ट में जैसे हम बैक स्पेस दबाते हैं, वैसे ही ये करना है हमको कि हम जब भी डिलीट फंक्शन कॉल होगा, डिलीट के कैरेक्टर्स हम लेफ्ट में, लेफ्ट की साइड में डिलीट कर देंगे के कैरेक्टर्स, ठीक है। तो एग्जांपल के लिए मान लो के इक्वल टू वन था, ठीक है, तो एक कैरेक्टर डिलीट हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगी स्ट्रिंग ए बी सी, यहाँ पर आ जाएगा कर्सर और ई एफ जी एच आई जे, डी डिलीट हो जाएगा, डी डिलीट हो जाएगा ना, ठीक है, के अगर वन होता। फिर अब दूसरा ऑपरेशन क्या है, इंसर्ट, इंसर्ट सम स्ट्रिंग, ठीक है, जैसे हेलो। तो क्या करेंगे हम इसमें, हम कर्सर जहाँ पे है वहाँ पे हम ऐड कर देंगे हेलो को, ठीक है। तो ठीक है, तो जहाँ पे कर्सर है उसके आगे हम स्ट्रिंग को ऐड कर देंगे, है ना, इंसर्ट हेलो, ये ऑपरेशन है हमारा, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, ए बी सी हेलो, और कर्सर यहाँ आ जाएगा ई एफ जी एच आई जे, कर्सर यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ये दूसरा ऑपरेशन हो गया इंसर्ट। तीसरा ऑपरेशन क्या है, हाँ, तो तीसरा ऑपरेशन है हमारा कर्सर लेफ्ट। कर्सर लेफ्ट क्या करता है, जैसे कर्सर लेफ्ट दे दिया के डायरेक्शन के में के दे दिया कर्सर लेफ्ट, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली इसका मतलब है हम के मूव करेंगे लेफ्ट में, ठीक है। तो जैसे के दे दिया, मान लो के इक्वल टू टू दे दिया, है ना, तो हम दो दो कर्सर मूव कर जाएंगे, इधर आ जाएगा कर्सर हमारा, ठीक है। और क्या रिटर्न करना है, और बोल रखा है कि भाई जहाँ पे आप कर्सर आ गया तुम्हारा, वहाँ से तुम, है ना, लेफ्ट में जितने कैरेक्टर्स हैं ना वो रिटर्न करके दे दो। तो ये क्या रिटर्न करके दे देगा, ए बी सी एच ई एल, ये रिटर्न करना है, ठीक है। और मान लो इधर है ना बहुत सारे कैरेक्टर्स हुए, एक्स वाई जेड ए बी सी ए बी बी, तो क्या करना है तुम्हें, पहले के 10 कैरेक्टर रिटर्न करके देने हैं, ठीक है। तो अभी इसमें जैसे ये तो 6 हो गए, 7 8 9 10, तो ये क्या रिटर्न करके देगा, अगर ये होती स्ट्रिंग, है ना, ये नहीं होती, तो ये क्या रिटर्न करके देता, सी जेड वाई एक्स ए बी सी एच ई एल। मतलब बेसिकली तुम्हें रिटर्न करके देना है मिनिमम ऑफ 10 या फिर लेंथ जो बच गई लेफ्ट में, जो यहाँ से जहाँ से कर्सर है तुम्हारा उसके लेफ्ट में, उसके लेफ्ट में जितनी लेंथ है उसमें 10 कैरेक्टर्स रिटर्न करके देने, या फिर जितनी लेंथ है मिनिमम ऑफ दैट, ठीक है। और राइट में एक और ऑपरेशन है, वो क्या है, राइट। तो अभी हमारा कर्सर कहाँ आ गया है, यहाँ पे आ गया है ना, कर्सर लेफ्ट में मूव हुआ है दो बार, तो यहाँ पे आ गया कर्सर। अब कर्सर इधर ही रहेगा, ठीक है, कर्सर ये रिटर्न करते समय इधर नहीं आ जाएगा, ठीक है, कर्सर बस हमको ये रिटर्न करके देना है और कर्सर वहीं रहेगा। तो हमारा कर्सर आ गया अभी यहाँ पे, है ना, अब एच ई एल के बाद, ठीक है। तो कर्सर हमारा इधर ही है, और हमारा दूसरा ऑपरेशन है कर्सर राइट, मतलब कर्सर को राइट मूव करो के बार। तो के जैसे मान लो दो दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, कर्सर को दो मूव कर देंगे इधर, कर्सर हमारा इधर हो जाएगा, ठीक है, इधर हो जाएगा, है ना। और हमको क्या करना है, वही सेम चीज़ करनी है, लेफ्ट लेफ्ट के 10 कैरेक्टर्स या फिर जितनी लेंथ बची है
वो लेफ्ट के कैरेक्टर्स यहाँ से रिटर्न करके देने। तो इसमें कितने हो गए, ये हो गए 5, 8, तो ये पूरा 8 का 8 रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया है ना। और अगर इधर बहुत सारे कैरेक्टर्स होते, 10 से ज़्यादा होते, तो पहले के 10 है ना, यहाँ पे वाई एक्स और जुड़ जाता है ना, इसमें ही ऊपर वाली में। तो क्वेश्चन तो अभी तक समझ में आ ही गया होगा है ना। अब सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन बहुत इजी है इसका, मस्त सा सॉल्यूशन है। और जो सॉल्यूशन बताऊंगा वो असली में टेक्स्ट एडिटर में भी यूज़ होता है। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करेंगे, जैसे मान लो हमारा कर्सर है यहाँ पे है ना, ये कर्सर है हमारा, तो कर्सर से जो लेफ्ट में जो एलिमेंट्स है ना उसको हम लेफ्ट वाले स्टैक में डाल देंगे हम है ना। हम क्या करेंगे, 2 स्टैक बना देंगे, एक लेफ्ट स्टैक एक राइट स्टैक। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली कर्सर से जो लेफ्ट में चीज़ें हैं वो लेफ्ट स्टैक में, कर्सर से जो राइट में चीज़ें वो राइट स्टैक में। ठीक है, अभी हम करेंगे कैसे, तो हमको दे दिया जैसे अभी कर्सर तुम्हारा यहाँ पे है, कुछ भी नहीं, एम्प्टी है ना। अब बोला इंसर्ट इंसर्ट ए। ठीक है, तो तुम क्या करोगे, लेफ्ट स्टैक लोगे, ए डाल दोगे। ठीक है, तो तुम्हारा ए आ गया इधर लेफ्ट में। फिर क्या बोला कि इंसर्ट बी, तो तुम क्या करोगे, बी डाल दोगे। फिर बोला सी, इंसर्ट सी, तो तुम क्या करोगे, सी डाल दोगे। फिर बोला डी डाला, तो डी भी ऐसे डाल दोगे तुम। ठीक है, फिर बोला तुम्हें ई डालने को, ई भी डाल दिया तुमने, एफ भी डाल दिया, जी भी डाल दिया, एच भी डाल दिया, ई एफ जी एच आई जे। ठीक है, ई एफ जी एच आई जे, ये सब तुमने क्या करा, लेफ्ट स्टैक में डाल दिया। ये तुम्हारा लेफ्ट स्टैक है। और कर्सर कहाँ है तुम्हारा, यहाँ पे है ना। ठीक है, तो मैंने तुम्हें क्या बोला था कि कर्सर के लेफ्ट में जो भी होगा वो हम लेफ्ट स्टैक में डालेंगे, तो हमने सबको लेफ्ट स्टैक में डाल दिया क्योंकि ये सब हमारे कर्सर के लेफ्ट में अभी है ना। तो ये हमारा लेफ्ट स्टैक है और ये सबको डाल दिया हमने। अब क्या कॉल हुआ, अब कॉल हुआ कर्सर, कर्सर लेफ्ट, कर्सर लेफ्ट कॉल हुआ। और उसने कितना बोला कि 6 मूव कर जाओ। ठीक है, तो 6 मूव करने का मतलब क्या है, हम कर्सर को कहाँ मूव कर देंगे, ये 1 हो गया, ये 2, 3, 4, 5, 6, तो 6 मतलब है हम इधर आ जाएंगे। ठीक है, तो हमारा कर्सर आ गया इधर। तो इसका मतलब क्या है, हम क्या करें, हम यहाँ से ये राइट, मैंने क्या बोला था तुम्हें, कर्सर के जो लेफ्ट में है वो लेफ्ट स्टैक में होगा, कर्सर के जो राइट में वो राइट स्टैक में होगा। तो हम क्या करेंगे, इस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए हम है ना, हमारा जब कर्सर इधर था, ठीक है, हमारा जब कर्सर इधर था तब हम एक एक पॉप करते जाएंगे यहाँ से। ये जे पॉप करा, फिर हमने आई पॉप करा, कब तक, 6 पॉप करते जाएंगे हम। एफ ई है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा कर्सर कहाँ आ गया, अब यहाँ से मूव करके इधर आ गया कर्सर, समझे। तो ये राइट स्टैक हो गया हमारा। तो हमने क्या करा, लेफ्ट स्टैक से पॉप करे एलिमेंट्स को, पॉप करते गए, के पॉप करे हमने एलिमेंट्स और सबको राइट में पुश कर दिया, राइट स्टैक में। ठीक है ना, तो कर्सर लेफ्ट कॉल जब हुआ था हमने ऐसा किया। और हमने क्या किया, ये कर्सर लेफ्ट को रिटर्न क्या करना होता है, रिटर्न करना रहता है इसके बाद जो लेफ्ट में एलिमेंट्स हैं वो रिटर्न करने रहते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो लेफ्ट है ना इसके सारे एलिमेंट्स को पॉप कर देंगे है ना, सारे एलिमेंट्स को या फिर 10 एलिमेंट्स को। ठीक है, तो जब तक ये एम्प्टी नहीं हो जाता तब तक, या फिर 10 एलिमेंट्स को पॉप करके स्टोर करा लेंगे एक वेरिएबल में और रिटर्न कर देंगे वो वेरिएबल है ना। और वापस से फिर वो जो ये वेरिएबल था उसके एलिमेंट्स को वापस से इसमें पुश कर देंगे है ना, लेफ्ट में, क्योंकि लेफ्ट तो हमको बिगाड़ना नहीं है ना, कर्सर हमारा इधर ही है ना। और फिर ये चीज़ समझ में आ गई है ना। अब ये ऑपरेशन तो हमने कर लिया है ना,
कर्सर लेफ्ट में हम क्या करेंगे, लेफ्ट के एलिमेंट्स को लेंगे और पुश कर देंगे राइट राइट के स्टैक में, है ना। अब दूसरा ऑपरेशन आया डिलीट ऑपरेशन, डिलीट के एलिमेंट्स। तो सिंपल सा क्या करोगे तुम, लेफ्ट से पॉप कर दोगे एलिमेंट्स को। जैसे के आया टू, तो क्या करोगे, दो एलिमेंट्स पॉप करने, मतलब हम ये और ये पॉप कर दिए, बी और सी पॉप कर दिए, तो कर्सर तुम्हारा यहाँ आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक है ठीक है। और तुम्हारे लेफ्ट में कौन है, बी ए, बी और ए है, और राइट राइट में कौन है, ई एफ जी एच आई जे, ठीक है। अब तीसरा ऑपरेशन क्या आया, कर्सर राइट, कर्सर राइट थ्री मान लो, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, ये एलिमेंट्स को लोगे, इसमें पुश कर दोगे, पहले ई पुश किया, फिर एफ पुश किया, फिर जी पुश किया, तो तुम्हारा कर्सर कहाँ आ गया, यहाँ आ गया। अब क्या रिटर्न करके देना है इसको, लेफ्ट में जो इसके रिटर्न, लेफ्ट के जो 10 एलिमेंट्स है या फिर जितना लेफ्ट में बचा हुआ है ना, वो क्या करेंगे हम, वो इसमें से पॉप करके जाएंगे और एक वेरिएबल में स्टोर करा लेंगे, फिर वापस से लेफ्ट में भर देंगे उसको, ठीक है। तो हो जाएगा कर्सर राइट। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, है ना। अब कोड पे आ जाते हैं और अच्छे से समझ में आएगा, तो कोड देखते हैं इसका। तो बहुत सिंपल सा हमने क्या करा, दो स्टैक बना लिए, एक लेफ्ट लेफ्ट स्टैक और एक राइट स्टैक, ठीक है। फिर हमने क्या करा, ऐड टेक्स्ट जब कॉल होगा तब हम क्या करेंगे, सबको लेफ्ट में डाल देंगे, है ना। और जब डिलीट स्टैक कॉल होगा तब हम क्या करेंगे, लेफ्ट से निकाल देंगे, है ना, लेफ्ट से निकाल देंगे, काउंट बढ़ाते जाएंगे और काउंट रिटर्न कर देंगे कितने हमने पॉप करे एलिमेंट्स। और जब कर्सर लेफ्ट कॉल होगा तब हम क्या करेंगे, मतलब लेफ्ट में शिफ्ट करो कर्सर को, तो मतलब लेफ्ट में से कम करो और राइट वाले में ज़्यादा भरो, ठीक है। तो लेफ्ट वाले उठा लिए, है ना, लेफ्ट वाले उठा लिए और लेफ्ट वाले पॉप कर दिए और राइट में पुश कर दिए, ठीक है। फिर हमने क्या करा, रिटर्न के लेफ्ट कॉल कर दिया। के लेफ्ट क्या है, मतलब कर्सर मूव हो गया है, कर्सर मूव होने के बाद लेफ्ट में, ठीक है, लेफ्ट में जितने बच गए या फिर 10, है ना, या तो 10 या फिर जितने, अगर 10 से ज़्यादा साइज है और 10 से कम साइज है तो जितने बच गए, है ना। तो लेफ्ट लेफ्ट का साइज हो गया, और लेफ्ट का साइज और मिनिमम इन दोनों में से निकाल लिया। फिर हमने क्या करा, लेफ्ट में से पॉप करते गए, आंसर में पुश करते गए और लेफ्ट को पॉप करते गए, है ना। और हमने रिवर्स कर दिया आंसर, हमको तो रिवर्स करके देना है ना आंसर, है ना। तो जैसे अगर यहाँ पे ये रिटर्न करके देना है ए बी, ए बी ई एफ जी, तो ये तो हमको ये कर्सर के लेफ्ट लेफ्ट का रिटर्न करके देना है, तो हम क्या करेंगे, ये जी को पहले पॉप करेंगे, फिर एफ को पॉप करेंगे, फिर ई को पॉप करेंगे। इधर भी देख सकते हो, जी को, एफ को, ई को, फिर बी को, फिर ए को, है ना। तो रिवर्स हो जाएगा, हमको क्या रिटर्न करके देना है, ए बी ई एफ जी, है ना। तो हम रिवर्स कर देंगे उसको, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ये लेफ्ट में वापस पुश कर देंगे, है ना, लेफ्ट में वापस पुश कर देंगे लेफ्ट वाले स्टैक में हमारे, ठीक है, क्योंकि हमको लेफ्ट वही मेंटेन रखना है, हमको वापस से यही करना है ना, स्टैक हमेशा वापस से यही बना देना है, क्योंकि कर्सर तो हमारा यहीं पर रहेगा, है ना। कर्सर हमारा मूव हो गया था यहाँ पे, है ना, इसके बाद हमको मूव नहीं करना है कर्सर को, ठीक है। फिर हम के लेफ्ट कॉल करेंगे बस, और वो लेफ्ट वाली स्ट्रिंग करके दे देगा रिटर्न, ठीक है। और फिर वैसे ही कर्सर राइट हो गया, कर्सर राइट क्या करेगा, कर्सर राइट की तरफ मूव करेंगे, तो मतलब इसका हम राइट से एलिमेंट को मूव कर देंगे लेफ्ट स्टैक में, ठीक है। फिर वापस से के लेफ्ट कॉल कर देंगे, सेम फंक्शन, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर दिस क्वेश्चन, होप यू लाइक इट, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल, थैंक्स अ लॉट।